हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स की तरफ से मैं कंचन प्रभा दरभंगा बिहार से। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत कैचअप कोर्स में मैं ज्योग्राफी का क्लास आप लोग का ले रही हूँ, जिसमें मैं फर्स्ट चैप्टर अभी लेना शुरू कर चुकी थी, जिसका कुछ भाग मैं ले चुकी हूँ। मैं पहला चैप्टर संसाधन से, संसाधन क्या है, संसाधन की उपयोगिता और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये ले चुकी हूँ। और आज मैं आप लोगों का जो क्लास लेने जा रही हूँ वो संसाधन के प्रकारों का वर्गीकरण, क्या संसाधन के प्रकारों का वर्गीकरण। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को देखें, ये YouTube पे भी है और हम लोगों का बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग सारे सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट्स आपको दिक्कत आ रही है, जो सारे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं किस पे, यूट्यूब चैनल द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स पे, और फेसबुक पे तो है ही। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, संसाधन के प्रकारों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने बताया था संसाधन किसे कहते हैं पहले वीडियो में, संसाधन की उपयोगिता और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने कल बताया था संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। संसाधन तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन? प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। कौन? पहला है प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं मानव निर्मित संसाधन। तो मैंने तीनों के बारे में आप लोगों को बताया था कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जैसे बालू, जैसे कि मिट्टी, जैसे हवा, सूरज की रोशनी। मानव संसाधन यानी मानव खुद एक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई चीजें, वो सब मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो अब हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। इनके वर्गीकरण में हम लोगों को केवल प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण पढ़ना है, क्योंकि इसी को वर्गीकृत किया गया है। ये मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन को वर्गीकृत नहीं किया गया है, केवल प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है। तो प्राकृतिक संसाधन आज हम शुरू कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन के विषय में ही आगे पूरे चैप्टर में लगभग इसी के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण। तो प्राकृतिक संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, यहाँ पर मैंने ये चार्ट बनाया है। प्राकृतिक संसाधन को पांच वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? पांच वर्गों में। पहला देखिए क्या है, विकास एवं उपयोग के आधार पर। पहला क्या है? विकास एवं उपयोग के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? उत्पत्ति के आधार पे। तीसरा है उपलब्धता के आधार पर। क्या है? उपलब्धता के आधार पर। चौथा है वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर। और पांचवा है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो अब इन इन पांचों को भी कुछ भागों में बांटा गया है। इन पांचों को भी कुछ भागों में बांटा गया है। तो चूंकि अचानक से ये सारी चीजें, सारी की परिभाषा बताने से क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं, तो हम धीरे धीरे सभी का अलग अलग परिभाषा को समझेंगे और इसको समझकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला विकास एवं उपयोग के आधार पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो विकास एवं उपयोग का मतलब क्या होता है कि किसी भी, जो भी संसाधन है, इसके अंतर्गत जो भी आएगा संसाधन, उसका विकास कितना हो रहा है और उसका उपयोग हम कितना कर रहे हैं उसके आधार पर। जैसे कि कोई भी संसाधन है, जैसे कोयला है, तो उसका कितना ज्यादा से ज्यादा हम
पाप पा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कितना उपयोग कर रहे हैं और वो कितना निकल पा रहा है। तो विकास के आधार पर क्या होता है कि कोई भी चीज डेवलप कितना हो रहा है और मानवों के द्वारा उसका कितना उपयोग किया जा रहा है। तो इस विकास एवं उपयोग के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। देखिए, विकास एवं उपयोग के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। क्या है? वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो ये इन सबों का डिटेल हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैं आज शॉर्ट में आप लोगों को इनके वर्गीकरण के केवल नाम बता रही हूँ। तो उत्पत्ति के आधार पर कितनी ज्यादा उत्पत्ति हो रही है, निकल रही है, हमें प्राप्त हो रही है, तो उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है इसे। क्या? दो भागों में। पहला है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो इन सब की परिभाषाएं हम अगले क्लास में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे नए नए वीडियो बनाकर। और तीसरा है उपलब्धता के आधार पे, कितना उपलब्ध हो रहा है, हमें कितना मिल पा रहा है, तो उसके आधार पे दो भाग बांटे गए हैं। क्या? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। वितरण के आधार पे कितना वितरण हो पा रहा है, लोगों के बीच में कितना जा रहा है, कितना हम भेज रहे हैं, कितना प्राप्त हो रहा है लोगों को, तो उसके आधार पे दो भागों में बांटा गया है। उसके आधारों पे भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन। बहुत सारे इसमें नाम से भी आप समझ सकते हैं कि सर्वत्र उपलब्ध संसाधन जैसे है, तो ये सूरज की रोशनी हो सकती है, वो हर जगह है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आप नाम से भी समझ सकते हैं। इसके बाद पांचवा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पे इसे कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पे इसे तीन भागों में बांटा गया है। क्या? निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हम लोगों ने आज ये देखा कि संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। तीनों में बस प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण किया गया है, जो पांच भागों में बांटा गया है प्राकृतिक संसाधन को। पांच भागों में विकास एवं उपयोग के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, उपलब्धता के आधार पे, वितरण के आधार पर और स्वामित्व के आधार पे। और इन पांचों को भी छोटे छोटे वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे हम अगले क्लास में धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए। अचानक से हम इतना ज्यादा सभी चीजों के परिभाषा को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाएं कि किसे वास्तविक संसाधन कहते हैं, किसे जैव कहते हैं, किसे नवीकरणीय कहते हैं। तो सबको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो में देखेंगे, ताकि आप लोगों को क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए कि विकास एवं उपयोग के आधार पर जो संसाधन हैं वो क्या हो सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर है वो क्या हो सकते हैं, उपलब्धता के आधार पर है वो क्या हो सकते हैं, वितरण के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे जो जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो हम चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, क्या लेकर? विकास एवं उपयोग के आधार पर ये दो संसाधनों का परिभाषा लेकर, इसे क्या वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, ये लेकर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप लोगों को एक बात और बता दूं बच्चों, कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है वीडियो के शुरू में कि हमारा यूट्यूब चैनल भी शुरू हो चुका है, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स। तो उसे भी आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। तो सभी के वीडियो आपको मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे। कृपया उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उससे अपना
ज्ञान प्राप्त कीजिए, फायदा उठाइए, पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो इसी शुभकामना के साथ बाय बाय।